हाय दोस्तों दोस्तों मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं एक्टर हूँ। आपने मेरे बहुत सारे एपिसोडिक क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखे होंगे, और मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है बड़ी बड़ी, जैसे मोहल्ला 80, इश्किया, तनुवर्स मनु पार्ट 1। मैं इस लॉकडाउन के दौरान में ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ देखता था, तो हर्षद पटेल जी के वीडियोस देखे, तो और मैंने इनका लाइव सुना, तो मैं इनकी कुछ बातों से बहुत प्रभावित हो गया। तो हर्षद भाई से मेरी बातचीत हुई, तो हर्षद भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही हेल्पफुल आदमी है, और ट्रेडर कमाल है, एक नंबर है। ऑप्शन में तो इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, कॉल और पुट में मतलब बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, और मैं तो इनका फ़ैन हो गया हूँ बहुत बड़ा, मैं दीवाना हूँ इनका, इनकी ट्रेडिंग का और इनकी बातों का। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि मैंने इनके लाइव सेशन अटेंड किए हैं। हर्षद भाई हमारे दोस्त हो गए हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, मैं बम्बई में रहता हूँ, कभी हम लोग मिलेंगे। और हर्षद भाई को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे ही करते रहे, धन्यवाद। दोस्तों दिनेश शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात कर दी मेरे लिए, और मेरी वो वीडियो उनको पसंद आई और उन्होंने कांटेक्ट भी किया और कभी मिलेंगे भी, ये भी बात हुई है, शुक्रिया उनका। एक मेरी चैनल के लिए और दोस्तों मेरी वीडियो के लिए एक व्यू देने के लिए। ठीक है, अभी देख सकते हो निफ्टी 10,308 के ऊपर आ चुकी है, जस्ट ब्रेक करने को लगता है कि यहाँ से शायद ब्रेक कर सकती है 10,300 को, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ 10,000 का जो पुट है उसका प्राइस चल रहा है 43। तो देख सकते हैं अभी 300 का जो लेवल तोड़ चुका है निफ्टी, यहाँ पे 10,100 का निफ्टी का एक पुट मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा और इसको लूँगा मैं। 66 का जो प्राइस है वो चल रहा है अभी, तो तुरंत ही मैं लेने के यहाँ सोच रहा हूँ, वापस 300 के ऊपर थोड़ा आया हुआ है, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, जस्ट वैलिडेशन पेंडिंग। सुबह अभी 9:15 को 69 की प्राइस यहाँ पे चल रही है, देखते हैं अभी कहाँ पे ये एग्जीक्यूटेड होता है। 70 आ चुका है, ओके 70 पॉइंट। दोस्तों थोड़ी हाई पे बाइंग हो गई ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि वैलिडेशन जो था वो पेंडिंग था, ट्रैफिक बहुत था जीरो था में। देख सकते हो अभी एक लाल कैंडल यहाँ पे बन रही है निफ्टी में, पाँचवीं कैंडल, वापस से 300 के ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ पे एक कॉल राइटिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं वो कर रहा हूँ भाई 1200 क्वांटिटी, 10,600 का कॉल आउट द मनी का, 29 रुपीज़ चल रहा है यहाँ पे, ओके 1200 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने सबमिट का ये बटन ही में दबा दिया है। अभी देखेंगे अभी ओपन पोजिशन में जाके 29.63 1200 क्वांटिटी मैंने सेल की हुई है। ठीक है, 10,600 का एक कॉल यहाँ पे चल रहा है अभी, अभी 3,000 का लॉस यहाँ पे चल रहा है। देखते हैं मार्केट बहुत ही चौपी और बहुत ही साइडवेज जैसा फॉर्म कर रहा है अभी, तो कन्फ्यूजन भरा है। 76 आ रहा है यहाँ पे प्राइस चल रहा है उसका, 10,200 का 76, तो मैं इसकी ये लॉट को लेने की मैं सोच रहा हूँ, निफ्टी का जो 10,200 का जो पुट है, 450 क्वांटिटी बाय कर दी है मैंने 77.23 में, देखते हैं अभी। निफ्टी अपने हाईएस्ट लेवल पे है अभी 10,381, तो देखते हैं यहाँ से कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है या यहाँ से वापस प्राइस जो है रिजेक्ट होती है। ओके, दो कैंडल बड़ी वाली बन गई है, देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट की, तो वापस से जो प्राइस है वो यहाँ पे आ चुका है, 30 के ऊपर निकला था उसका चल रहा है अभी 29.50, 150 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है अभी, 750 का। यहाँ से मैं एग्जिट करने की भी सोच रहा हूँ, गिरावट कंटिन्यू, यहाँ पे भी अभी लॉस चल रहा है 5,000 का, तो मैं यहाँ पे अभी होल्ड करूँगा, और 10,200 का जो पुट है उसमें मिल रहा है 3,000, मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ अभी 3400
देखते हैं कितना प्रॉफिट में बुक कर पाता हूँ। 3,045 रुपये यहाँ पे मैंने बुक कर लिए, 84 में सेल हो चुका है और 84 के आसपास ही अभी चल रहा है। अभी देख सकते हो 10,600 का कॉल, 2,900 रुपये मिल रहा है, स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, कर दिया है, देखते हैं अभी क्या हुआ। दोस्तों 52 रुपीस ही मिले यहाँ पे मुझे, क्योंकि ऊपर के लेवल पे स्क्वायर ऑफ हो गया 29.58 में बाय हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ करते करते वापस निफ्टी ने कैंडल बड़ी ग्रीन बना दी और ये ऊपर के लेवल पे ही जहाँ मैंने सेल किया था वहीं पे बाय हो गया, तो इसमें तो कुछ मिला नहीं। अभी एक और बार मैं इसको ऑप्शन को मैं राइट करूँगा यहाँ पे। अभी ये 10,400 का कॉल, 600 क्वांटिटी, क्योंकि निफ्टी चल रहा है 10,300 पे, 48,000 का मार्जिन चाहिए इसमें, 600 क्वांटिटी मैंने बता दिया आपको मार्जिन रिक्वायर्ड। तो 10,400 का एक कॉल, 600 क्वांटिटी बाय कर लिए, दस हज़ार चार सौ का कॉल, 600 क्वांटिटी बाई की है, 82.90 एवरेज प्राइस निकल के आई है, ठीक है। अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 83 के आसपास, 10,400 का एक कॉल है देख सकते हो यहाँ पे। तो कॉल लेने का मतलब है अभी जो निफ्टी चल रहा है 10,340 के आसपास, तो लगता है वापस यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक मिल सकता है। अभी चल रहा है 690 रुपये मिल रहा है, 900-1100 एग्जिट करने के यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ। जीरोधा थोड़ा स्लो पड़ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, लिमिट सेट अभी मैंने की नहीं है, पेज को मैंने रिफ्रेश किया और वापस से मैं ट्राई करूंगा अभी इसको एग्जिट करने के लिए। 1400-1200 रुपये का दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, अभी चल रहा है 1500 और 1800 मार्केट पे ही दोस्तों एग्जिट कर दिया है, 1852 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है, 1,852 रुपीज़। अभी 9,000 रुपये का लॉस चल रहा है 10,100 के पुट में, देखते थोड़ी देर में अगर ये जो पुट है ऊपर आता है कि नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही 10,300 का जो लेवल है वो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ और एक साइडवेज जैसा मूव यहाँ पे कर रहा है, इसीलिए वहीं का वही जो स्टॉक्स है बैंकिंग के वो भी एक जगह रुके हुए हैं। तो निफ्टी का एक कॉल अगेन मैं यहाँ पे सेल करने जा रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस देखूँगा। दस हज़ार छः सौ का कॉल सेल करने में जा रहा हूँ अगेन सेम 900 क्वांटिटी को। अभी पहले मैंने दोस्तों इसको 1200 क्वांटिटी सेल की थी, अभी मैं कर रहा हूँ 900 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे लगाना पड़ता है, व्यू मार्जिन में देखेंगे अभी 22,000 रुपीज़ यहाँ पे मार्जिन चाहिए 900 क्वांटिटी 10,600 की सेल करने के लिए। तो अभी मैं सेल कर रहा हूँ, थोड़ी देर में सबमिट का बटन मैंने यहाँ पे दबाया हुआ है, प्रोसेस कर दिया है मैंने और ट्रेड बुक में जाके दोस्तों देखेंगे 29.43 में ये सेल हुआ है 900 क्वांटिटी। अभी मिल रहा है 3,200 रुपये दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है मुझे, प्राइस आ गई है 25 रुपया 25.85। तो देख सकते हो यहाँ पे ऊपर से जो निफ्टी गिर रहा है तो प्राइस डीके का प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है और जैसे 25 के नज़दीक आएगा 10,600 का पुट मैंने यहाँ पे लगाए हुए, आप देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग में, तो 25 के नज़दीक आएगा मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। 25 आ चुका है और यहाँ पे मैं 3,700 का प्रॉफिट मिल रहा है, मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, प्रोसेस देखते हैं। अभी पहली बार तो हाई पे बाय हो गया था, अभी देखते हैं 25 के आसपास। अच्छा 25.05 पे बाय हुआ है 900 क्वांटिटी और टोटल प्रॉफिट दोस्तों मिल चुका है यहाँ पे 4,000 रुपये 3,993। तो दोस्तों कॉल राइटिंग में मैंने प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया है 4,000 रुपये और जीरोधा में मेरा जो अकाउंट है अभी ऑर्डर जो है पुट का वो ओपन है, उसमें भी कुछ एवरेज करके कुछ करना पड़ेगा, देखता हूँ मैं अभी अपडेट करता हूँ आपको। और ये ट्रेड बुक है देख सकते हो, अभी 29 पे बेचा था, 25 के आसपास बाय कर लिया और निफ्टी का ये चार्ट आप देख सकते हो अपने लोवेस्ट लेवल यानी सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। पुट का प्राइस दोस्तों 10,100 का जो पुट है
जो कि 9000 लॉस चल रहा था, अभी चल रहा है 5750 क्वांटिटी में एग्जिट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सोच रहा हूँ यहाँ लिमिट में लगा दूँ पहले, क्योंकि अचानक से अगर वो मार्केट 10300 का जो लेवल है वो ब्रेक कर दे तो 67 पे मैं एक से निकल सकूँ। और प्रॉफिट लॉस दोस्तों ओवरऑल टोटल 0-0 हो चुका है। तो 10100 का पुट जो मैंने बेचा था, जो कि हाई लेवल से बाय हो गया था, अभी चल रहा है 64। अभी थोड़ा और मैं यहाँ पे वेट करूँगा, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। 56 यहाँ पे चल रहा है, अभी 10100 का है जो पुट है। और क्वांटिटी में बाय करने अभी जा रहा हूँ MIS में, 750 क्वांटिटी मार्केट पे। 10100 का पुट दोस्तों 750 क्वांटिटी यानी सेम पुट को बाय कर लिया है। टोटल क्वांटिटी अभी मेरी ओपन है 1500 और प्राइस अभी आ चुकी है 56.45 में। दोस्तों यहाँ पे मैंने अगेन मैंने बाय किया है 10:21 को। तो यहाँ पे जो मैंने 67 रखा था उसको मैं अभी यहाँ पे प्राइस सेट कर रहा हूँ। और जो प्राइस अभी दोस्तों जो चल रही है वो है 10340 और यहाँ पे 62 मैंने किया हुआ है। 750 क्वांटिटी पहले मैं सेल करूँगा क्योंकि उसको मैंने बाय किया है 56 में। बाकी की क्वांटिटी मैं देखूँगा कि किस तरीके से कितनी गिरावट यहाँ पे आती है। तो दोस्तों अपने सपोर्ट पे ही खड़ा है, शायद 300 का लेवल अगर ये ब्रेक किया अभी 317 का तो 310 पे भी जा सकता है। नेक्स्ट जो लेवल मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में बता दिया था तो बहुत सारे लोगों को वो काम में भी आया था और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया है। तो 750 क्वांटिटी यहाँ पे 10100 का जो पुट है, 65 मैंने प्राइस रखी है, ओके 65 में दोस्तों 750 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट हो गई है। अभी दोस्तों 10100 का पुट मैंने लिया है, अगेन 900 क्वांटिटी ली थी, अभी एक लॉट ये ओपन रह गया है। तो 5500 का दोस्तों मैंने इसमें भी प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया था। 20 मिनट के बाद ये स्क्वायर ऑफ हो गया था, वैसे ऑर्डर बुक में निकल गया था लेकिन जीरो था में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए एक लॉट यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, बाकी ये ओपन है नहीं। ऑर्डर बुक में देख सकते हो 69 पे मैंने बाय किया था पुट को और 72 में मैंने एग्जिट कर दिया था। ये मेरा दूसरा ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं इसको वापस से एग्जिट मैन्युअली नहीं करने वाला हूँ। तो जीरोधा से मैंने इसके ऊपर बात की थी, वो लोग डेफिनेटली ध्यान देंगे। तो 5500 का दोस्तों टोटल प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक कर लिया था 10100 के पुट में। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए और कॉमेंट में लिखिए वीडियो कैसी लगी। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।